हेलो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्ट कंटेनर, जो हमारे इम्पोर्ट की शिपमेंट होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो इम्पोर्ट की हमारी शिपमेंट होती है, हम उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं दुबई ट्रेड के ऊपर, हम कैसे चेक कर सकते हैं उनके कितने स्टोर्स के दिन हमारे पास पेंडिंग है। ठीक है, कभी कंटेनर हम कभी कंटेनर अगर निकल गया तो कभी कंटेनर निकला है, कौन सी गाड़ी से निकला है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि जैसे हमारे पास इम्पोर्ट के 100-150 कंटेनर आ जाता है, तो हमको उसमें से कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से कंटेनर निकल गए। ओके, अगर निकला है तो कभी निकला है, कौन सी गाड़ी में निकाला है, तो वो हम सब कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो उसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, इधर सर्च करना है कंटेनर इंक्वायरी। कंटेनर इंक्वायरी सर्च करेंगे तो फर्स्ट ही टैब है जो, ठीक है, वो दुबई ट्रेड का है। ओके, साथ में ऊपर उसका देखेंगे तो उसका जो लिंक है वो दुबई ट्रेड से आपको आएगा, तो वो वाला ओपन कर लेना। तो ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी आपके, सिंपली इधर आपको कंटेनर नंबर मेंशन करना है। कंटेनर नंबर लिखा और सर्च किया। कंटेनर नंबर सर्च करने के बाद में ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इसमें हमको चेक करना है। ठीक है, ये आपका कंटेनर नंबर आ गया इधर, ये कौन से पोर्ट पे है, जबल अली पोर्ट के ऊपर। ठीक है, कंटेनर 40 फीट है, 20 फीट है, वो आ जाएगा पूरा आपका। ओके, तो ये कंटेनर कभी आ रहा है, ये कंटेनर आ रहा है 18 जून को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा रफली होता है। ठीक है, कभी वैसल लग जाता है, वैसल को जैसे बर्थ मिल जाता है, जो पोर्ट के बर्थ होते हैं, वैसल को बर्थ मिल जाता है। ठीक है, तो उनके सिस्टम में आ जाता है कि वैसल लग गया है, अभी बर्थ मिल गया है, तो कंटेनर डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन उसमें वो एक एक दिन का फर्क आ जाता है, 7-8 घंटे का फर्क, आ 12 घंटे का फर्क मान के चले, जैसे बर्थ के लगने के से लेके उसका कंटेनर डिस्चार्ज होने तक। ठीक है, वो टाइम का थोड़ा कभी इधर थोड़ा मिसमैच हो जाता है, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट आपको बताता है। तो ये जैसे 18 जून को लगेगा, 10 दिन इसके फ्री मिल रहे हैं हमको, और 27 को इसका स्टोरेज है वो स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये टर्मिनल 3 पे आ रहा है, 23 टन इसमें वजन है, 40 फीट कंटेनर है पूरे का पूरा। आपको जो मालूमात है, ठीक, जो भी मतलब नॉर्मल चाहिए होते हैं हमको, आपको पूरा इधर से आप ट्रैक कर सकते हैं। ये तो वो कंटेनर हो गया जो अभी तक अभी डिस्चार्ज हुआ ही नहीं और हमने निकाला है। अभी मैं एक दूसरा कंटेनर का आप बताता हूँ जो डिस्चार्ज हो गया, जो हमने निकाले, उसके उसका आप कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला कंटेनर, ठीक है, ये वाला कंटेनर डिस्चार्ज हो गया है एक्सियल टू टाउन, मतलब गाड़ी ने निकाल लिया है, ये वाली वेसल के ऊपर था। ठीक है, एक्सियल है, फुल कंटेनर है, जो फुल कंटेनर है। ओके, तो ये कभी निकला है, एम्प्टी टू टाउन 19 तारीख को हुआ है। ठीक है, मतलब आज के दिन, जैसे आज 19 तारीख को निकला है, 18 तारीख को डिस्चार्ज हुआ था, 19 तारीख को गाड़ी ने निकाल लिया, ये वाली गाड़ी नंबर है जिसने निकाला है, और ये वाला होल ईयर है जिसपे गाड़ी रजिस्टर्ड है, और ये टर्मिनल 2 का कंटेनर था, 18 टन इसमें वजन था, 18 टन 100 kg इसमें वजन था। तो ये तो मतलब ये इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये कंटेनर हमको जैसे ये वाले, ये मेन चीज हमको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन हमको फ्री में मिल रहे हैं पोर्ट के ऊपर। पोर्ट की शिपमेंट में दो चीजें होती हैं ध्यान रखने वाली, एक तो होता है डीओ। ओके, डीओ कितने दिन वैलिड है, और जो पोर्ट स्टोरेज के दिन कितने वैलिड है। ये अगर दोनों के बीच पीछे हमको कंटेनर निकालना है, लेकिन जैसे एक बार कंटेनर आपका निकल गया तो स्टोरेज का आपके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, आप कभी भी वापस कर सकते हो, लेकिन कभी भी मतलब डीओ डेट के अंदर अंदर बस। तो ये आप दोनों चीजों से ट्रैक कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो और अपना लैपटॉप से भी कर सकते हो, सिस्टम से भी कर सकते हो। मैं अभी आपको मोबाइल के बता देता हूँ कि मोबाइल से आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली मोबाइल की जाना है आपको, कंटेनर इंक्वायरी सर्च करना है ऊपर, जैसे ये कंटेनर इंक्वायरी लिख रहे हैं गूगल में, सेम मोबाइल की सिस्टम की तरह। ओके, कंटेनर इंक्वायरी लिखे और इसमें कंटेनर नंबर डाला आपने, मतलब सेम ही है प्रोसीजर जैसे, बस इसमें ये मैंने बताया कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, यार पता नहीं मोबाइल पे कैसे, मतलब उसका इंटरफेस मोबाइल पर कैसा होगा। तो इसमें आपने सर्च किया,
मतलब कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है, नहीं आता, लेकिन वो आप फिर से सर्च करेंगे तो डाटा बैक साइड रीलोड होके खुल जाता है, तो सेम इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। सेम उसी तरह आपको चार्ट खुलेगा, कंटेनर नंबर आएगा, मतलब सेम सेम आएगा, बस फर्क ये कि ये आप थोड़ा मोबाइल से कर रहे हो, वो आप डेस्कटॉप वर्जन से कर रहे हो, ये आप मोबाइल वर्जन से कर रहे हो। और पिछली दफा एक दोस्त ने मेरे से रिकमेंड किया था कि जैसे हम गाड़ी रीन्यू करते हैं तो उसको दुबई ट्रेड में कैसे बाद में हम मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका कैसे करवा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें भी डालने वाला हूँ, ठीक है, कि जो जैसे हमने गाड़ी पासिंग की है तो उसका हम कैसे वो दुबई ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और मालूम अब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता दें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं उसके तल एक वीडियो बना के डाल दूंगा उसमें।